सो आप सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए यार फाइनली अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फाइनली स्टार्ट हो चुका है जेई मेन एंड जेई एडवांस 2022 के लिए, जिसमें कि आपको इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको दिया जा रहा होगा। 3 मंथ, 6 मंथ एंड 18th मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड इसमें 23 टेस्ट फॉर IIT जेई 2022 एंड 48 टेस्ट फॉर IIT जेई 2023 के लिए है, डिपेंडिंग ऑन सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन। तो इसका लिंक यार मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इनरोल करते टाइम आप मेरा कोड यूज कर लेना Sonu123, ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल पाए। नेक्स्ट ईयर बात करूं तो IIT जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज, जो कि यार हर शाम को आपका डेली शाम को 6 बजे से होता है, 30 मिनट में 15 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, टॉप क्वालिटी क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर, फुल एंड फाइनल रिविजन फॉर जेई 2022। एवरी वीक 50 लकी विनर्स विल गेट सरप्राइज गिफ्ट भी आपको मिल रहे होते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप फ्री इनरोल कर सकते हैं। एंड एक ईयर सबसे बिगेस्ट थिंग, जो कि यार अनअकैडमी ऐप पे एंड अनअकैडमी वेबसाइट पे जो भी एक न्यू ऑप्शन आ चुका है, जहां पे कि आप लोग टाइम 3 डाउट्स अपना पूछ सकते हो। इसके लिए यार सिंपली आप अनअकैडमी वेबसाइट पे एंड अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, एंड आप लोग सिंपली क्लिक क्रॉप एंड सबमिट, इन 3 बेसिक स्टेप्स में जो है आप एट ए टाइम 3 डाउट्स पूछ सकते हो। तो इन सभी का जो लिंक मैंने है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सभी के लिए आप चेकआउट करें एंड इनरोल करें IIT जेई सुपर 30 टेस्ट सीरीज में एंड अनअकैडमी के जो लाइट सब्सक्रिप्शन में। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप यार आप सभी ने होली सेलिब्रेशन यार बहुत ही अच्छे से कर लिए होंगे। फाइनल ईयर अभी से अगर जो देखें तो आपका जेई मेंस 2022 के यार एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब से यार देखें तो ओनली मीन्स लगभग 1 मंथ का टाइम मिस बचा हुआ है, ठीक है। मैथ का इन लास्ट 30 डेज में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको कि आपको मिस करना ही करना है, कौन कौन से चैप्टर का है जिसका मिस हाई वेटेज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मस्ट डू टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उन सभी चैप्टर्स को मैं बताने वाला हूँ कि इन सभी टॉपिक्स मस्ट डू जो टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स को तो आपको मिस करना ही करना है। अगर जो मस्ट डू टॉपिक्स को अगर जो नहीं करते हो तो यार उस चैप्टर का कहीं ना कहीं एक दूसरे चैप्टर से लिंकिंग रहता है एंड उन सभी चैप्टर का तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे चैप्टर जो कि एक दूसरे से लिंक है उन सभी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन को आप लोग नहीं सोल्व कर सकते हो। सो वीडियो यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर एंड तक जरूर से जरूर देखें। तो चलो फाइनली बिना टाइम गवाए मैं फाइनली वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले यार ये जो है मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा एंड एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से किस तरह से लिंक है वो मैं बताऊंगा मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। लेकिन सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यार सबसे बिगेस्ट थिंग जो कि यार इस वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि यार ये आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे यार मैंने जो है जितने भी मैथ के जितने भी 11th+12th के चैप्टर्स हैं उसको यार मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एंड उसका जो है सबसे पहले यार ये जो है ये आपका जो एक्सिस है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने जो रखा है यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को रखा है कि कौन कौन से चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल ईजी है या तो फिर हार्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर यार वाई एक्सिस की अगर जो बात करूँ तो यहाँ पे मैंने टाइम रखा है कि आपको कौन कौन से ऐसे मैथ में चैप्टर है जिसमें कि टाइम आपको ज़्यादा लग रहा होगा एंड टाइम आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें कि आपको टाइम कम लग रहा होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने डिफिकल्टी लेवल को रखा है। तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर जो यार बात करूँ यानी कि इस क्वाड्रेंट की अगर जो बात करूँ तो इस क्वाड्रेंट में मैंने वैसे वैसे चैप्टर के मैथ के वैसे वैसे चैप्टर को मैंने रखा है जिसमें कि आपका इजी भी चैप्टर है एंड साथ ही साथ आपको बहुत ही कम टाइम भी लग रहा होगा आपको। एंड फिर सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट की अगर जो बात कर लें तो यहाँ पे आपको इजी चैप्टर तो है लेकिन इन सभी यानी कि इस क्वाड्रेंट में जितने भी चैप्टर को मैंने रखा हुआ है इसमें जो है टाइम आपको ज़्यादा लग रहा होगा। वहीं पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें यानी कि इसका थर्ड क्वाड्रेंट के तो यहाँ पे आपको यार चैप्टर ये सभी तो हार्ड है, ठीक है, ये सभी चैप्टर यानी कि हार्ड है लेकिन आपको कम टाइम लग रहा होगा, इन सभी चैप्टर्स को आपको करने में आपको कम टाइम लग रहा होगा। वहीं पर सबसे लास्ट यानी कि फोर्थ का बात करूँ तो इस क्वाड्रेंट में यार वैसे वैसे चैप्टर को मैंने रखा हुआ है जो कि आपका मोर यानी कि टाइम भी आपको ज़्यादा ले रहा होगा एंड आपको मीन्स हार्ड यानी कि चैप्टर भी थोड़ा सा हार्ड है। तो इसके बेसिस पर यार यानी कि आप समझ सकते हो कि आपको यार सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपको देनी है यानी कि इस चैप्टर इस क्वाड्रेंट के यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के आपको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है एंड उसके बाद फिर सेकेंड क्वाड्रेंट को एंड उसके फिर थर्ड क्वाड्रेंट को एंड एट द लास्ट ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट को, ठीक है। एंड इस मैच से यार अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट को हो सकता है कि आपको मिस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो चैप्टर मैंने लिखा हुआ है वही आपका मिस फेवरेट चैप्टर हो उस भी चैप्टर पे आपका मिस बहुत ही ज्यादा कमांड हो, ठीक है। तो ये यार जो है हर पर्सन टू पर्सन हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। तो सबसे पहले यार जैसे कि मैं बात करूंगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के तो यहां पे आप लोग देख सकते हो इस क्वाड्रेंट में यानी कि आपको कम टाइम लग रहे होंगे एंड इन सभी चैप्टर यानी कि मिस इजी चैप्टर भी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया जो कि बहुत ही इजी है एंड इसमें जो है बहुत ही कम टाइम लग रहा होगा आपको मिस वनली एंड NCERT से कर लेते हो एंड आपको जो भी नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स आपके पास है उसी को आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग लगा लेते हो तो आपको जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी चैप्टर है वो आप लोग बहुत ही कम टाइम में एंड बहुत ही इजी चैप्टर है एंड 100% गारंटी के साथ आपको इन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको इसे क्या स्टेटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, रिलेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया एंड हाइट एंड डिस्टेंस जिससे कि 100% एक क्वेश्चन आता है। वहीं पर सेकेंड क्वाड्रेंट बात करूँ यहाँ पे आपको मिस चैप्टर तो इन सभी इजी है लेकिन थोड़ा सा यार
फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंपेरेटिव में आपको जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो है थोड़ा सा मिस टाइम आपको मिस ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। जैसे कि 3D ज्योमेट्री हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, AOD हो गया, फंक्शन हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। एंड वहीं पर यार थर्ड क्वाड्रेंट की अगर जो बात करूँ तो यहाँ पर यार आपको जो है थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, लेकिन आपको इन सभी चैप्टर को करने में ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जो है आपको टाइम कम लग रहा होगा, जैसे कि वेक्टर्स हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया, एंड उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट यार बात करूँ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यार इसको जो है आपको मिस आपको प्रायोरिटी देनी है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यार आपका होना चाहिए कि आपका इजी चैप्टर विथ आपका लेस टाइम, इजी चैप्टर विथ लेस टाइम। एंड उसका फिर सेकेंड प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए मिस इजी चैप्टर एंड थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा होगा उसे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट वाले को। एंड उसके बाद फिर आपका थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए कि चैप्टर तो थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आपको टाइम इसके लिए मिस कम लग रहा होगा। एंड उसके बाद फिर यार सबसे फोर्थ प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जिसमें कि हार्ड भी चैप्टर है एंड टाइम भी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो इन सभी यार मैंने जो है कैटेगराइज किया है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग देख सकते हो इसकी बाइनोमियल थ्योरम हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये सभी यार चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कि हार्ड यानी कि चैप्टर भी हार्ड है एंड आपको टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा। बाकी यार आपको मिस अगर जो इन सभी में से यार आपका अगर जो कोई फेवरेट मिस चैप्टर हो, आपका मिस हार्ड चैप्टर एंड ज़्यादा टाइम लगने वाले में से यार आपका मिस कोई फेवरेट चैप्टर हो, तो फिर वो आप अपने बेसिस पे आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि यार अच्छे से सिलेबस जिनका नहीं कंप्लीट हो पाया है, तो इसके बेसिस पे आप जो है अपने इन सभी चैप्टर को कैटेगराइज करके एंड प्रायोरिटाइज करके आप जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड अब यार फाइनली बात कर रहा हूँ मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में, जिसके कि यार आपको मिस छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में यार देखो मैंने मिस दो चीज़ों पर मैंने फिर फाइनली जो है डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे फर्स्ट यार वैसे चैप्टर जिससे कि क्वेश्चन हमेशा यानी कि 100% कंफर्म आता है, ठीक है। जैसे कि स्टेटिस्टिक्स हो गया, रिलेशंस हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, ठीक है। इन सभी चैप्टर में से एंड उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, तो इन सभी चैप्टर में से हर साल जो है गारंटी के साथ एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए ये सभी जो है चैप्टर्स आपको मस्ट डू है, इन सभी चैप्टर्स को तो एटलीस्ट आपको करके ही जाना है, ठीक है। एंड वहीं पर बात करें जैसे कि स्टेटिक्स हो गया, इसको भी आप लोग ओनली NCERT से करते हो तो आपका जो है बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया एंड उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, इससे भी जो है बहुत ही कम टाइम में आप मिस कंप्लीट कर सकते हो। एंड बाकी यार वैसे चैप्टर देखो यहाँ पे लिखे हुए जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे कि यार एक दूसरे चैप्टर से लिंक है, ठीक है। अगर जो वेक्टर का क्वेश्चन अगर जो आपसे नहीं बन पाता है तो आप वेक्टर 3D का क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पा रहा होगा। एंड वहीं पर और भी यार मिस वेक्टर का जो मिस बेसिक अगर जो नहीं पता है तो आपको वेक्टर से रिलेटेड और भी दूसरे चैप्टर जो कि इससे इंटरलिंक्ड है उन सभी चैप्टर का भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा, ठीक है। वहीं पर बात कर लूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यार मिस मस्ट डू के लिस्ट में आता है, जो कि ये भी यार मिस आपको बेसिक क्या यार मिस आपको एडवांस तक भी मिस पता होना चाहिए। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जो अच्छे से नहीं आ पाता है तो आपको और भी यानी कि वेक्टर 3D एंड डिफरेंशियल कैलकुलेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यार हर चैप्टर में यार मिस कहीं ना कहीं यूज होता है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आपको अच्छे से कर ही लेना है। एंड इसको जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मस्ट डू टॉपिक्स, इन सभी टॉपिक्स को तो आपको करके ही जाना, ठीक है। तो अगर जो स्टेटिक्स थे तो इसे यार 100% मिस कन्फर्म एक क्वेश्चन हर साल आता है, रिलेशन से भी एक क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 1 क्वेश्चन मिस कन्फर्म आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी यार बेसिक से भी 1 क्वेश्चन आता है, सीक्वेंस सीरीज से किसी साल यार 1 क्वेश्चन या तो फिर 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका 100% गारंटी के साथ 1 क्वेश्चन आता है, वहीं पर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स से भी यार इन दोनों चैप्टर को मिस मिला करके आपका एक या तो फिर 2 क्वेश्चन आ सकता है, वेक्टर एंड 3D से यार 2 या तो फिर 3 क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड प्लस इंटीग्रल कैलकुलस इन दोनों चैप्टर को यार मिला लें तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चन आपको आ रहे होते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस एंड प्लस में इंटीग्रल कैलकुलस को भी अगर जो आप जोड़ लेते हो तो, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर यार यानी कि मस्ट डू टॉपिक्स है, इन सभी टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है। सो फाइनल ईयर यही फाइनली आप लोगों को बताना था, तो आप यार अभी जो है अपना प्रिपरेशन फाइनल ईयर आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो आपने यार अगर जो मीन्स आपका अच्छे से सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ पड़ा है तो आप इन सभी चैप्टर में से फिर आप जो है कैटेगराइज करो एंड आपको जो है कितने कौन कौन से चैप्टर है जो कि आपका 100% कंप्लीट कर लिया है, उन सभी चैप्टर से क्वेश्चन अगर जो आएंगे तो आप मिस बना लोगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप जो है कैटेगराइज कर सकते हो। एंड बाकी यार लास्ट टाइम है तो आप लोग मिस अच्छे से जम करके यार पढ़ाई में अपना लग जाओ। बाकी यार मेरी तरफ से जो है JEE 2022 के लिए आपको काउंसलिंग टू एडमिशन तक सारा वीडियो यार आने वाले हैं एंड फिजिक्स के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग अगर कमेंट में करना कि क्या फिजिक्स पे भी मेरे को मिस वीडियो बनाना तो फिर नहीं। सो थैंक यू वेरी मच यार, फाइनली इस वीडियो में यही बताना था। बाकी यार आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे आपको हर अपडेट के साथ साथ आप लोग वहाँ पे जो है आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो कोई भी डाउट रहता है तो। एंड बाकी यार चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।